क्वेश्चन है कि इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर टी कॉस टी, देन फाइंड एल इनवर्स ऑफ नाइन एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन नाइन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए, जब भी आपके एस की जगह कोई चीज लिखी होती है तो हम फर्स्ट समझ जाते हैं कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो वी नो दैट, लेकिन ये डाइड कर दोगे आप, वी नो दैट, क्या वी नो दैट है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर एफ टी हो इंप्लाइज, तो अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ए एस करना है तो क्या हो जाएगा, वन अपान ए एफ टी अपान ए हो जाएगा। अब देखो हियर जो गिवन है वो क्या गिवन है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस वन अपान एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी कॉस टी। इसका मतलब यहां पर एफ एस क्या चीज है, यहां पर एफ एस है एस स्क्वायर माइनस वन अपान एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहां पर एफ टी क्या चीज है, टी कॉस टी, ये गिवन है। कंपेयर कर दिया ना, आपको निकालना क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ नाइन एस स्क्वायर माइनस वन अपान नाइन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो एस की जगह क्या लिखा गया है, थ्री एस, यानी ये लिखा है थ्री एस का स्क्वायर माइनस वन अपान थ्री एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आपने एस की जगह एस में किस चीज से मल्टीप्लाई किया है, आपने एस में मल्टीप्लाई किससे किया है, थ्री से, तो यानी कि एक जगह क्या आ गया, थ्री आ गया, तो यानी ये आपका आ जाएगा वन बाई थ्री एफ टी बाई थ्री, एक फॉर्मूला होता है वन बाई ए एफ टी बाई ए, मतलब वन बाई थ्री से कोई मतलब नहीं है, वन बाई थ्री लिखा रहेगा और ये एफ टी है तो इसमें टी की जगह लिखो टी बाई थ्री, तो आएगा टी बाई थ्री कॉस टी बाई थ्री, यानी कि आपका वन बाई नाइन टी कॉस टी बाई थ्री। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए अब आपको इसमें क्या दम था, आपने इस एग्जाम्पल को क्यों लिया बताने के लिए भाई, तो टाइम वेस्ट कर दिया आपने, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना तो 99% स्टूडेंट नहीं समझता ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि जब तक उसको ये नहीं मालूम है कि एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती है, एस के पास जब ए एस हो जाता है तो यहाँ ये चेंज होता है वन अपान ए एफ टी अपान ए, तब तक नहीं आया, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है, करिए इसको।